हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो मैंने कहा कि अगर गर्मियों के सीज़न में मिंट की बात ना हो, पुदीने की बात ना हो, तो कैसे काम बनेगा। अब हाइड्रोपोनिक वाली और चीज़ें तो उगाते हैं, NFT तो इस समय नॉर्थ इंडिया में उतना काम नहीं कर रहा है जब तक आप बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं करते। तो मैंने कुछ पुदीना के मिंट के जो घर में पुदीना आता है उसी से ही हो जाता है, तो मैं भी पूरा दिखाऊंगा। तो ये पुदीना मैं आज लाया था, तो मैं दिखा दूं, इस तरीके से बाज़ार में मिलता है पुदीना, ठीक है। तो ये जो आपको काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये आज इनको प्लांट किया गया है। और ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला, ये ठीक है, और ये वाला फ्रेंड, ये देखिए, ठीक है, नई लीव्स आ गई हैं इसमें। ये 10-12 दिन पहले करे गए थे, 10 से 15 दिन लेता है रूट्स निकलने में। तो मैं भी आपको दिखा दूंगा कि इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं कि नहीं हुई हैं, मैंने भी अभी नहीं देखा है। तो फ्रेंड, पहले आते हैं कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जहाँ पे लीव्स होती हैं, ये देखिए, दो लीव्स निकली हैं, यहाँ दो लीव्स निकली हैं, यहाँ दो लीव्स निकली हैं, ऐसे ये नोड होते हैं। ये देखिए, एक नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड। आपको करना क्या है, आप सिंपल लीजिए, अगर इसके साथ जड़े भी हों तो आप उसको नीचे से सीजर से कट कर दीजिए। कट कहाँ करना है, नोड ऊपर रहे, दो नोड के बीच में कट करना है आपको, और 2 सेंटीमीटर छोड़ के करना है, ठीक है फ्रेंड। बस इस तरीके से करना है। और ये कोको क्वायर का मिक्सचर है, प्योर कोको क्वायर इसके अंदर है, ये देख लीजिए आप, कोको क्वायर इसके अंदर दिख रहा है, इसी में लगा रखा है, और न्यूट्रेंट इसमें डाले जा रहे हैं। तो फ्रेंड, इसको करना क्या है आपको, 2 इंच के आसपास, जिससे 2-3 नोड्स उसके अंदर चले जाएं, आपको इसमें गाड़ देना है, ठीक। 10-12 दिन लेता है, रूट्स डेवलप होंगी, पहले छोटी लीव्स आएंगी, फिर उसके बाद बड़ी लीव्स आती है। मैं एक ये दिखा देता हूँ, मैं तुरंत इसको दोबारा से इसमें वापस कर दूँगा कि मैं दिखा दूँ कैसी इसमें रूट्स आ जाती हैं। ये प्लांट लगा है कोको क्वायर में, ज़्यादा इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, मैं धीमे से निकालता हूँ इसको, क्योंकि मुझे दोबारा से भी इसको लगाना है। ये फ्रेंड देख लीजिए, ये रूट इसमें आ गई हैं, आपको वाइट कलर की रूट दिख रही होंगी, ये देखिए, ये रूट्स डेवलप हो गई हैं। जैसे ही रूट्स बड़ी हो जाएंगी, लीव का साइज बड़ा हो जाएगा, आपको दिख रही होंगी, ये साइड की रूट है, ये रूट है, देखिए छोटी छोटी रूट्स हैं, अभी 10-15 ही हुए केवल, तो लीव्स आ रही है। मैं इसको तुरंत लगा दूँ, और लगाने के बाद फ्रेंड, अगर सूखा है ये, तो हल्का सा आप पानी दे दें इसमें। पानी आपको कौन सा देना है, शुरू में आपको 150 TDS के अंदर का पानी देना है। जब NFT नहीं काम करता है, या कोई और अल्टरनेटिव मेथड नहीं काम, कोई मेथड नहीं काम करता, तो आपको कुछ अल्टरनेटिव मेथड की तरफ जाना पड़ता है। तो मुझको ये काफ़ी ठीक लगा, ये फुल सन में रखा जाता है, मैं अभी वीडियो बनाने के लिए इसको ज़रूर अंदर उठा लाया हूँ, नेट शेड वगैरह के अंदर नहीं रख रखा है इसको। और ये देखिए, इसमें डेवलप हो गई हैं, अभी धीरे धीरे लीव्स इसकी बड़ी होने लगेंगी, और एक बार आप इसमें लगा देंगे, मिंट की एक बड़ी खासियत होती है। और फ्रेंड, थोड़ा सा बता दूं कि एक बार लगाने के बाद इसमें क्या होता है कि ये सालों साल चलता रहता है, इसकी जड़ें फैलती रहेंगी, ये इसमें बना रहेगा, जब इसका सीजन आएगा फिर से होने लगेगा। तो 3 महीने के लिए मिंट जरूर बहुत जाड़े में थोड़ा कम हो जाता है, और फिर होने लगता है। इसमें ध्यान क्या रखना फ्रेंड, कि शुरुआत के 1 महीने में TDS को किसी भी हालत में, अगर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो
350-350 ppm से ऊपर ना जाने दें TDS को। और फिर अगर किसी दूसरी जगह जहाँ टेम्परेचर, जैसे आज ही यहाँ टेम्परेचर 46 डिग्री है, ठीक है, तो सारे प्लांट्स को दिक्कत होती है, जो सॉइल में लगे उनको भी दिक्कत होती है। एक बात कहूँगा फ्रेंड, अगर आप इसको सॉइल में लगाना चाहें तो आप सेम विधि से लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सैंड लेनी है, सैंड मतलब मिट्टी, सॉइल, वो ले लीजिए, उसे 50% ले लीजिए, 25% उसमें काउडंग मिला दीजिए या वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, और 25% उसमें कोकोपीट मिला दीजिए, मिक्सचर बना दीजिए और सेम मेथड से इसमें करने लगिए। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना रखना है कि अगर कोको क्वायर में है तो न्यूट्रन सॉल्यूशन इतना डालें कि नमी बनी रहे उसमें, और सॉइल में लगा रहे हैं तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीचड़ जैसा बन जाए, नमी बनी रहे लगातार। तो अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो दिन में दो बार डाल दीजिए, वरना एक बार पर्याप्त होता है। और आप एक बार इसको लगा लेंगे, सालों साल लगा रहता है। बस ओपन फील्ड में इसको लगाने से अवॉइड करना चाहिए। ओपन फील्ड में लगाने का नुकसान क्या होता है कि ये क्रीपर्स होते हैं तो फैलते चले जाएंगे, फैलते पूरे गार्डन को कवर कर लेंगे, फिर दूसरे प्लांट अच्छी तरीके से नहीं चलते हैं। तो इसलिए इसका, चूँकि बगल में इसके बहुत नज़दीक नोड्स होते हैं, तो ज़मीन में जब चलता है तो यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं, रूट्स एमर्ज होने लगती हैं और वो पूरे आपके गार्डन में फैल जाएगा। तो जहाँ कहीं भी लगाएं तो किसी पॉट में लगाएं या किसी टैंक में सॉइल भर के लगाएं या कुछ भी करके इस तरीके से, और बस आराम से इसको चलाते रहिए। फिर जब थोड़ा ये डेवलप हो जाए तो इसको 500 के आसपास TDS का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आप देते रहिए और चलता रहेगा। और जो सॉइल में लगा रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि वो बस पानी देते रहें और कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इसको न्यूट्रिएंट की, वो फर्टिलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आपको बार बार काउडंग देना पड़े। एक बार डाल दीजिए, एक दो साल बाद फिर डाल दीजिए, बस चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ वैसे वीडियो मैं डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साइंस वाले वीडियो हो गए थे तो मुझे लगा कि अब ऐसा ना हो कि लोगों का, व्यूअर्स का इंटरेस्ट कम होने लगता है कि वही साइंस, तो इसलिए कुछ जनरल पर्पस से भी वीडियो डालने चाहिए, तो मैं डाल रहा हूँ। और बस आप ऐसे करिए, आराम से हो जाएंगे। फ्रेंड एक बात थोड़ा सा बताने से भूल गया हूँ मैं, कि अगर आप इसको सॉइल में लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि प्लास्टिक का पॉट ना ले आप। प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है कि एरिएशन नहीं होता है यहाँ से, तो गर्म बहुत हो जाता है, तो अंदर की मिट्टी गर्म हो जाती है, तो उस चीज़ को ज़रूर अवॉइड कर लें आप। और मिट्टी का पॉट ले लें, या सीमेंटेड आते हैं तो वो भी पोरस रहते हैं, तो उस पॉट को ले लें। तो उससे होगा क्या कि आपका प्लांट ठीक से चलेगा। और इसमें समस्या क्या होती है कि यहाँ से कोई एयर जाने का कोई साधन नहीं होता है, ठीक है, तो जो एयर जाएगी वो ऊपर से ही जाएगी, तो गर्मी भी जल्दी नहीं निकल पाती है। मान लीजिए गर्मियों के, ये चूँकि गर्मियों का प्लांट है तो गर्मियों में बहुत सारी यहाँ पे गर्मी इकट्ठा हो जाती, तो उस गर्मी को निकलते निकलते शाम तक हो सकता है ये गमला आपको रात तक गर्म ही दिखे बाकी गमलों से। अगर मिट्टी का आप इस्तेमाल करते हैं गमला तो उससे गर्म ही दिखेगा। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, जब कुछ भी ना मिले आपको तो आप इसमें करें। और अगर संभव हो तो ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर लें। ग्रो बैग्स में बहुत अच्छी तरीके चलता है, क्योंकि उसमें एरिएशन की काफ़ी अच्छी गुंजाइश रहती है, तो आप ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड, फिर वीडियो एंड कर रहा हूँ, और आप इस तरीके से आराम से अपने प्लांट्स को लगाएं और प्लांटिंग करें। गर्मियों से अपने आप को बचा के ज़रूर रखें और प्लांट्स को भी बचा के रखें। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।